दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है। दो टर्म इस बीच सबसे ज्यादा आपने सुने होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी यानी मंडी व्यवस्था। केंद्र सरकार का दावा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आय बेहतर होगी। किसान अपना उत्पाद देश भर में कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं। वहीं किसानों का और विपक्ष का भी कहना है कि इन कानूनों के चलते मंडी व्यवस्था और एमएसपी खत्म हो जाएंगे। इस बीच 25 दिसंबर को विपक्ष पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठा दिए, कहा कि पार्टियां पहले जवाब दें कि केरल में एपीएमसी व्यवस्था क्यों नहीं है। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वितरित किया जाना था, इसी अवसर पर कार्यक्रम था। तो इसी अवसर पर मोदी ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल और केरल में एपीएमसी विफल रहा। बीजेपी ने यह भी कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में लेफ्ट की सरकार है और देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के राहुल गांधी यहीं के वायनाड से सांसद भी हैं। अब इन सवालों का जवाब केरल के सत्ताधारी सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके दिया। कहा, केरल में एपीएमसी मंडी व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य में पैदा होने वाली 82% फसल कैश क्रॉप है। इसमें नारियल, काजू, रबर, चाय, कॉफी, काली मिर्च, लौंग और इलायची की पैदावार होती है, जिनकी कीमत अलग अलग सरकारी बोर्ड नीलामी के जरिए एक व्यवस्था के तहत तय करते हैं। येचुरी ने एमएसपी पर भी बात रखी। ट्वीट करके बताया कि धान फसल के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी 1800 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, जबकि उसके लिए केरल में एमएसपी 2748 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी 900 रुपए से भी ज्यादा का अंतर। येचुरी ने ट्वीट में लिखा, केरल देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां 16 तरह की सब्जियों पर भी एमएसपी तय है। किसानों को हार्वेस्टिंग के सीजन में धान पर 22,000, सब्जियों पर 25,000, दालों पर 20,000 और केले पर 30,000 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी भी दी जाती है। येचुरी के मुताबिक केरल में एपीएमसी न होने के बाद भी किसानों को न सिर्फ उनकी फसल की ज्यादा कीमत मिलती है बल्कि कैश क्रॉप उगाने वाले किसानों को भी घाटा नहीं सहना पड़ता क्योंकि खरीद से लेकर बिक्री तक सरकार की नजर रहती है। येचुरी का यह भी दावा है कि केरल अकेला ऐसा राज्य है जहां सरकार द्वारा तय की गई एमएसपी से ज्यादा कीमत किसानों को फसलों के एवज में दी जा रही है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।